तो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एक इंस्टाग्राम अकाउंट को कैसे परमानेंटली डिलीट किया जाता है। पहले हम लोग इंस्टाग्राम अकाउंट को काफ़ी आसानी के साथ इसको डिलीट कर लेते थे, लेकिन नया अपडेट के बाद इंस्टाग्राम में ये ऑप्शन ही बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। फिर भी आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इसे आसानी से कैसे डिलीट किया जाता है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। और हाँ, चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, सबसे पहले उस अकाउंट से लॉग इन करना है जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं, यानी इंस्टाग्राम को ओपन करके आपको उस अकाउंट में लॉग इन कर लेना है। इसके बाद आपको अपने प्रोफाइल पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो राइट साइड में नीचे ऑप्शन मिलता है अपने प्रोफाइल का, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ देखिए, कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। सबसे ऊपर आपको थ्री लाइन दिखेगा, एरो की मदद से ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर थ्री लाइन दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको सेटिंग्स का ऑप्शन फर्स्ट में ही मिल जाएगा, इस पर आप टैप करेंगे। ठीक है, जैसा मैं बता रहा हूँ ठीक उसी तरीके से आपको भी फॉलो करना है। अब यहाँ पर आपको एक हेल्प का ऑप्शन दिखाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक कर दिए, इसके बाद आपको यहाँ पर हेल्प सेंटर का एक ऑप्शन मिलेगा सेकंड ऑप्शन में, इस हेल्प सेंटर पर आपको क्लिक करना है। ऐप से ये सारे चीज़ें कर रहे हैं तो आप एक नया वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर जाएंगे। यहाँ पर देखिए, सर्च करें, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। पहले हम लोग डिलीट करते थे इसमें सर्च करके, वो भी अब हट चुका है। सबसे पहले मैं यहाँ पर लैंग्वेज चेंज कर लेता हूँ, जिसके लिए नीचे आएंगे, और हिंदी यहाँ पर है इसको मैं इंग्लिश में बदल देता हूँ, तो इंग्लिश ऊपर ही होगा। तो मैं यहाँ पर इंग्लिश बदल चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ ऊपर आएंगे और यहाँ पर ऊपर में देख सकते हैं थ्री लाइन यहाँ पर भी दिया गया है, आपको एरो की मदद से यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन देख सकते हैं, मैनेज योर अकाउंट, यहाँ पर बोल्डली लिखा है मैनेज योर अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए, डिलीट योर अकाउंट का एक ऑप्शन मिलेगा फोर्थ नंबर में, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ डिलीट योर अकाउंट कहाँ है। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए, हाउ डू आई टेम्परली डिजेबल माई इंस्टाग्राम अकाउंट, तो टेम्परली यानी कि कुछ ही टाइम के लिए आप एक लिमिटेड टाइम के लिए डिलीट करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे, अगर आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो सेकेंड ऑप्शन चूज करेंगे, हाउ डू आई डिलीट माई इंस्टाग्राम अकाउंट। ठीक है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर नीचे आएंगे, ये एक पोस्ट है, ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ना पढ़ें, क्योंकि हम यहाँ पर आपको पूरा बता दे रहे हैं, अगर आप यहाँ पर स्किप करके चले जाएंगे तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसके नीचे आएंगे और यहाँ पर देखिए, एक होगा गो टू द डिलीट योर अकाउंट पेज, ठीक है, और यहाँ पर बोल्ड है डिलीट योर अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि आप क्रोम से आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर इंस्टाग्राम से, तो मैं क्रोम से ही आगे बढ़ूंगा, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक इंस्टाग्राम का जो पेज होता है वो ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको उस यूज़र आईडी को लॉगिन करना है जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं। तो चलिए मैं फटाफट से यहाँ पर यूजर ने पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना आईडी पासवर्ड डाल दिया है, इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मेरा अकाउंट लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएगा, वाई डू यू वॉन्ट टू डिलीट, अपना आईडी का नाम आएगा। ठीक है, तो आप अपने आईडी को क्यों डिलीट करना चाहते हैं इसका ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, इसमें कोई पुरानी की बात नहीं है। इसके बाद नीचे आपको दोबारा से पासवर्ड डालना होगा अपने आईडी का। तो चलिए मैं फटाफट से अपना आईडी का पासवर्ड डाल देता हूँ। पासवर्ड डाल लेने के बाद आपको नीचे डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद ओके करेंगे और यहाँ पर देखिए, एक नया पेज फिर से आ जाएगा और यहाँ पर है योर अकाउंट विल बी डिलीटेड ऑन अक्टूबर 23, 2021, और आज 21 सितंबर है, यानी कि अगले एक महीने के अंदर आपका अकाउंट इंस्टाग्राम से परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। अगर आप इसके बीच में कभी भी लॉगिन करेंगे इस आईडी से दोबारा, तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट जो डिलीशन में है वो बैक हो जाएगा और आपका अकाउंट डिलीट नहीं होगा। अब आपको अपने आईडी में कभी भी लॉगिन नहीं करना है, इसके बाद अगले एक महीने के बाद ये ऑटोमेटिकली ही परमानेंटली डिलीट हो जाएगा।